जय जय श्री राम दर्शकों, जय बाबा जी महाराज की जय हो। आज आप लोग के सामने जो विषय लेकर आया हूँ वो है सपनों में सांप का दिखना और सांप को देखने के बाद हमें उससे क्या समझना चाहिए, उसका मतलब क्या होता है, क्या इनका कोई फल भी होता है या ये हमें ऐसे ही दिखते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं। बहुत से लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा डर भी जाते हैं और कभी कभी तो उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता। समझना यह चाहिए कि सांप हमें अगर ज़्यादा दिखाई दे रहे, मतलब सपनों में सांप ज़्यादा दिखाई देते हैं या किन्हीं को तो लगभग लगभग हफ्ते में 3-4 बार भी या 2-3 बार भी अगर सपने आ जा रहे हैं तब भी यह ज़्यादा दिखाई देना ही होता है, इनका कुछ मतलब तो ज़रूर होता है, इसीलिए बार बार दिखाई देते हैं। अब चलिए इसे समझा जाए कि सांपों का बार बार दिखाई देने का मतलब होता क्या है। हम लोग सांप से जो समझते हैं वो बता रहे हैं हम लोग। अगर सपने में काले सांप बार बार दिखाई देते हैं तो कई बार ये शत्रु के सूचक होते हैं, जिससे शत्रु हानि पहुँचा सकता है, नाम प्रतिष्ठा में हानि पहुँचा सकता है, धन की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। इसमें भी और अगर गहराई से देखा जाए तो यदि सपने में सांप बस पीछा करते हैं या साथ साथ रहते हैं तो एक अलग ऊर्जा, एक अलग शक्ति है कोई जो आपके साथ रहती है और आपको देखती है, आपके साथ रहती है। लेकिन अगर वह काट नहीं रही है, सांप अगर काट नहीं रहे हैं तो यानी वो हानि नहीं पहुँचा रहे, वो बस आपके साथ रह रहे हैं। लेकिन अगर सपने में सांप काटे तब ये गलत है। तब गलत क्या है कि वह उससे आपको हानि है, वो आपको, वह शक्ति आपको हानि पहुंचा सकती है या शत्रु हानि पहुंचा सकते हैं। और तो और सफ़ेद सांप का देखना सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि कुबेर का सूचक माना गया है। यक्षराज कुबेर सफ़ेद रंग के सांप के रूप में दिखाई देते हैं, ऐसा बहुत कम ही लोगों को दिखता है लेकिन दिखता है। और सांप से हम लोग पूर्वज को भी समझते हैं और सांप से हम लोग कुंडली की शक्ति को भी समझते हैं। जब कुंडली जागरण होने लगता है या कुछ ऐसा कुछ होता है तो उससे भी सांप हमें दिखाई देने लगते हैं सपनों में। और तो और कुंडली में, जन्म कुंडली में जब काल सर्प दोष का योग बनता है, 12 प्रकार के काल सर्प दोष के योग बनते हैं, उनमें भी यदि काल सर्प दोष का कोई भी योग अगर बन रहा हो तब भी बार बार ये सर्प, ये सांप हमें बार बार सपने में दिखाई देते हैं, जिससे हमें सचेत तो होना जरूरी है, आवश्यक जरूर है। सांप को हम लोग हमेशा गलत समझते हैं जबकि हमेशा गलत नहीं समझना चाहिए। कई बार सांप अच्छी सूचना भी देते हैं, सूचक भी होते हैं। अब जैसे कहने का मतलब जोड़े का सांप हो तो समझ लीजिए वह कुंडलिनी की भी हो सकती है सूचना। अगर कोई योगी है, कोई साधक है तो उसको ऐसे स्वप्न आ सकते हैं बार बार। 2 सांप उसके आसपास जरूर हो सकते हैं जिनमें उन्हें बार बार यह भी दिखाई देता होगा। कभी कभी वह छोटा रूप भी धारण करते हैं, कभी कभी बहुत बड़े रूप में भी चले जाते हैं वह सांप सपने में ही। तो ऐसे इनसे कुंडली की उनकी सूचना मिल सकती है, उनकी कुंडली जागरण हो रही है या उनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें ऐसे स्वप्न दिखाई देने लगते हैं। और तो और सांप का दिखना बहुत शुभ तब भी माना जाता है क्योंकि सांप जो है शक्ति का प्रतीक है। सांप जो है शक्ति का प्रतीक है। भगवान श्री हरि नारायण की शेषनाग की शैया पे सोते हैं। भगवान शिव जी भी अपने गले में सांप को लपेटे हुए हैं। काली माता के हाथ पैर में भी सांप लिपटे रहते हैं। तो सांप से शक्ति का भी प्रतीक है, सांप शक्तिशाली होता है। तो हर बार सांप का मतलब गलत नहीं होता, लेकिन बार बार अगर सांप दिखाई देते हैं तो यह निश्चित है कि आपको कुछ समझना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए कि क्या यह गलत है या मेरे लिए सही है। कम से कम आप लोग यह तो पता अवश्य कर सकते हैं मेरे बताए इस वीडियो से कि स्वप्न शुभ है अथवा अशुभ है, मतलब सांप के सपने जो आ रहे हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उससे यह तो आप पता कर सकते हैं।
यदि सपने में आप डरे हुए हैं, सांप आपको दौड़ा रहा है, आपको काट रहा है, तब यह स्वप्न आपके लिए शुभदायक नहीं है। और यदि सपने में आपको सांप बार बार दिखाई दे रहे हैं, आपके आसपास हैं, आपको भय तो लग रहा है लेकिन वो आपके आसपास हैं लेकिन आपको काटते नहीं हैं, तब वह स्वप्न बुरा नहीं है। वह स्वप्न अच्छा ही मान सकते हैं, बुरा नहीं है, क्योंकि वह सूचना देते हैं, आपको सचेत करते हैं, आने वाले समय को आप भाप जाएं और उसके अनुसार ही आप सचेत होकर अपना काम करें, अपने स्वास्थ्य का, धन का, परिवार का ध्यान रखें। कई बार तो पूर्वज भी इस रूप में आते हैं और साथ रहते हैं स्वप्न में आके। तो सांपों का आना स्वप्न में इसके बहुत ही ज़्यादा मतलब है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अंत में चलते चलते जय जय श्री राम।